बिजनौर खबर टीवी में आपका स्वागत है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी व शायर इमरान प्रतापगढ़ी की गिरफ्तारी को लेकर जनपद के कांग्रेसियों में उबाल। कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनकी रिहाई की मांग की। कांग्रेसी सड़कों पर उतरे निकाले कैंडल मार्च। छोटी सी बच्ची ने भी रिहाई की मांग व आरोपियों को फांसी देने की अपील। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ महिलाओं और बच्चों ने हाथों में मोमबत्ती लेकर प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा की मांग की। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी, क्या नाम है? दीदी आरू त्यागी। बताइए किस लिए आज आपने ये साथ बोला? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को रिहा करो और रिहा करो। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को रिहा करो और रिहा करो। हाथ रस की बेटी को न्याय दो, न्याय दो। मनीषा दीदी के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। कांग्रेस फट। क्या नाम है आपका? आज आपने टॉर्च का बयान किया है, किस लिए? मेरा नाम मुनीष त्यागी है, जिला उपाध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी। आज मीनू गोयल जी शहर अध्यक्ष हैं हमारी, इनके नेतृत्व में हम लोगों ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी की रिहाई के लिए मांग की है और मनीषा के कातिलों को कम से कम फांसी पर चढ़ाने की मांग की है। और हम ये समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर एकदम जंगल राज कायम है, पुलिस की जिस तरह से हिटलर शाही इस देश और प्रदेश के अंदर है, जिस तरह से धक्का मुक्की हमारे नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ करने का काम किया है, अगर उन्हें रिहा नहीं किया गया तो हम कल से सड़कों पे उतरने का काम करेंगे और हम कलेक्ट्रेट का घेराव करने का काम करेंगे। और हम मांग करते हैं इस मंच से कि जो बलात्कारी जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर ये बलात्कारियों का प्रदेश हो चुका है, आज कोई फैक्ट्री लगाने को यहाँ तैयार नहीं है। योगी को और मोदी को दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए, इस गद्दी से त्याग पत्र देना चाहिए। मैं शहर मैं सबसे पहले तो अपनी जो नेता हमारे नेता हैं राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, उनकी गिरफ्तारी जो हुई है उसके लिए मांग करती हूँ कि उन्हें छोड़ा जाए। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति एक जो बलात्कारी के घर जाना चाह रहा था वो उनके यहाँ नहीं जा सकता, तो ऐसे सरकार का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ऐसे तो कोई भी अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकता। ऐसे तो दिन पे दिन रेप होते जा रहे हैं लड़कियों के साथ में। अभी आज ही का अखबार पढ़ा तो बन को बड़ी तकलीफ हुई, एक 8 साल की बच्ची और एक 13 साल की बच्ची के साथ उसकी कमर तोड़ दी गई। क्या यही हमारी इसमें ये सरकार नहीं, मोदी जी की सरकार, उसमें यही होता रहेगा क्या? बच्चे हमारी सुरक्षित नहीं रहेंगी? कहाँ सोया हुआ है ये देश? उसे जागना पड़ेगा, इन बच्चों को न्याय दिलाना पड़ेगा। और इन बच्चों को हम न्याय नहीं दिला सकते तो हमारा इस देश पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि बच्चियाँ जो भी है हमारी, सबकी अपनी, किसी की भी बच्ची हो हमारी बच्ची है। आज बच्चियाँ खुले आम घूम नहीं सकती हैं, उनका उनका हर वक्त ये देर रात आना डर लगा रहता है एक माँ बाप को। क्योंकि आज देखिए मुझे मतलब आंसू आ गए जिस टाइम मैंने शाम का अखबार चिंगारी पढ़ा, मेरे मन को इतनी तकलीफ हुई कि क्या 8 साल की बच्ची ने क्या तो क्या किया होगा इस दुनिया में आके, तो जो उसका इतनी बुरी हालत कर दी। क्या मतलब यही हमारे देश में रह गया था? ऐसे आदमी को तो जिसने ये कुकर्म किया है उसका लिंक काट देना चाहिए। मैं इसी डिमांड करती हूँ, लोग कहते हैं फांसी पर चढ़ाओ, फांसी पर नहीं चढ़ाना चाहिए, सब कुछ खत्म कर देना चाहिए। जिसे उसे तिल तिल करके पता लगना चाहिए कि वो कैसा कर्म कर चुका है। इससे रोज वो मरेगा तो उसे पता लगेगा कि अगर माँ बेटी के साथ ऐसा होगा तो कैसा लगेगा।